जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 20 में। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रही है, पेपर नंबर 5 चल रही है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रही है। चाहे आप BBM के उसे हो, चाहे आप SKM उसे हो, चाहे BVU से हो, चाहे BHU से हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हो, आप कहीं के भी स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 20 में यूजिंग सैंडविच थ्योरम एंड प्रूव दैट साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होगा एज एक्स टेंस टू 0 पर। मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स का जो लिमिट है, मतलब इस फंक्शन का जो लिमिट है वो 1 होगा एज एक्स टेंस टू 0 पर, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। और इसको मैंने, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने प्रूफ किया था इसको, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक अलग तरीके से इसको प्रूफ मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ में लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक यूनिट रेडियस वाला सर्कल ले लेंगे। सर, यूनिट रेडियस वाला ही सर्कल क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी होगा। मैंने एक यूनिट रेडियस वाला सर्कल ले लिया और इस पर मैंने ए बी टेंजेंट खींचा। ये ए और बी जो है कि टेंजेंट है, ठीक है ना। और ये ए पॉइंट जो है कि टेंजेंशियल पॉइंट है। और ये ओ और डी जो है कि रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना, 1 यूनिट का। और ये ओ और सी जो है कि रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, यूनिट सर्कल का। और ये जो सी और ए दिख रहा है, सी और ए, ये आर्क है। क्या है? आर्क है, चाप, है ना। और ओ और ए, ये रेडियस है। और मैंने यहाँ पर फील किया कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया, आप देख पा रहे हैं, है ना। कौन सा ट्राइंगल? नाम बोल देते हैं, ओ एस ओ ए ओ सी, है ना। ए ओ सी एक ट्राइंगल बन गया है जिसका एंगल, अब बात करेंगे सी डी ओ, सी डी ओ मतलब ये जो है ना परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, है ना। ओ ए रेडियस पर मैंने सी डी परपेंडिकुलर डाल दिया और ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है सी डी ओ, उसमें एंगल एक्स है और एक्स मेरा रेडियन में है, ठीक है ना। क्लियर है? मैं देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख तो रहा है, एक मिनट मैं फोकस कर देता हूँ आपको, है ना, ना देख लीजिए, ये एक्स पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक्स पॉइंट है और वो परपेंडिकुलर है, ठीक। तो आइए अब आगे, तो मैं यहीं से आज समझाने की कोशिश करता हूँ, मज़ा भी आएगा, देखते हैं। तो नया चीज कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी पर बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी पर बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल ओ ए सी दिख रहा है, देखिए ट्राइंगल ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी, देखिए ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है ना, ये ट्राइंगल ओ ए सी है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा मैं वहीं से समझा रहा हूँ, यहाँ से हमको नहीं फील हो रहा। अच्छा, सोचे कि नया प्रैक्टिकल करे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, है ना, वो प्रैक्टिकल हम वहीं पर से बता देंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ पर एक्स है। अब यहाँ से फिर से मैं बताता हूँ प्रूफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी पर बात करेंगे, ओ ए सी, ठीक है ना। अब फिर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, ओ ए, ध्यान दीजिएगा, मैं पेंसिल से चौक से बता देता हूँ। हाँ, सेक्टर का जब बात करूँगा तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी में ओ ए और ये पूरा जाएगा, मतलब ये ऐसा, ये एरिया ऑफ सेक्टर बनाता है, ठीक है ना, ओ ए सी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का बात करूँगा ओ ए सी का, तो ये ऐसा बनाएगा ओ ए और सी। आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से कम है ना। अब सेक्टर के एरिया से बड़ा कौन है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये बड़ा है, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर वही मैं बात लिखा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी से बड़ा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी है ना, और एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी से बड़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी के लिए, ओ ए सी के लिए हमको मालूम है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस ओ ए सी में बेस क्या हो जाएगा ओ ए और हाइट क्या हो जाएगा सी डी,
है ना, और ये ग्रेटर देन होगा। यहाँ पर देखिए आप इस क्या लग रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी ये वाला लग रहा है, ठीक है। और सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, एंगल कितना एक्स है, एक्स रेडियन, और 360 को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि 180 का मतलब 180, पाई का मतलब 180 इंटू 2 360 होगा, और पाई का पाई हो गया, और आर के जगह पर चूंकि यूनिट रेडियस वाला सर्कल है तो 1 का स्क्वायर। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2। बेस क्या हो जाएगा ओ ए, और हाइट क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 मर गया, यहाँ पर भी 1/2 है, कुछ नहीं देखे 1/2 है ना, तो ये भी 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ गया। अब ओ ए क्या है जरा देखिए, तो यूनिट रेडियस है, ए रेडियस है, तो ओ ए का मतलब 1 इंटू सी डी, तो सी डी ही होगा ग्रेटर देन, और यहाँ पर पाई से पाई मर जाएगा तो बचेगा क्या एक्स, और ये ग्रेटर देन, यहाँ पर भी ओ ए का वैल्यू 1 हो जाएगा तो बचेगा ए बी। तो सी डी से बड़ा एक्स और एक्स से बड़ा ए बी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इन ट्राइंगल ओ सी डी पर बात करेंगे, ओ सी और डी, ठीक है ना, ओ सी डी पर बात कर रहे हैं। तो ओ सी डी पर क्या बात कर रहे हैं, चलिए आइए साइन एक्सिस पर निकालेंगे, ओ सी और डी, ओ सी डी है ना। इसमें क्या होता है, बेस अप परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ सी हो जाएगा, ठीक है। और ओ सी क्या है, यूनिट रेडियस है, तो इसीलिए इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो सी डी बराबर साइन एक्स हो गया, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज दैट इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए और बी पर है ना, टेन एक्स पर बात करेंगे, तो टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या हो जाएगा ओ ए, है ना, और ओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, है ना, रेडियस 1, तो ए बी का वैल्यू टेन एक्स हो जाएगा, है ना, यहाँ पर टेन एक्स का वैल्यू ए बी लिख दिया। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1 है, सी डी का वैल्यू क्या है जरा देखिए, तो साइन एक्स वहाँ पर लिख दीजिए, साइन एक्स, एक्स की जगह पर एक्स, और ए बी की जगह पर क्या है टेन एक्स, टेन एक्स लिख दिया। अब मैं काम करता हूँ, साइन एक्स को साइन एक्स, एक्स के एक्स, और टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं साइन एक्स को साइन एक्स से डिवाइड दे दिया, फिर एक्स को मतलब सब जगह मैं साइन एक्स से डिवाइड दे दूँगा, है ना, थ्रू आउट ईच टर्म, फिर एक्स को भी साइन एक्स से डिवाइड दूंगा, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स है ऑलरेडी, और फिर इसको साइन एक्स से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो चलिए हम जूम करके दिखा देते हैं, ओके, देखिए हमने क्या किया, साइन एक्स अब साइन एक्स से बड़ा एक्स था, एक्स से बड़ा टेन एक्स, ठीक है, और फिर टेन एक्स का वैल्यू साइन एक्स बाय कॉस एक्स किया, फिर थ्रू आउट साइन एक्स से डिवाइड दे दिया, जब डिवाइड दिया तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, 1 बचेगा, और एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स ऑलरेडी है, फिर साइन एक्स से डिवाइड देंगे, साइन एक्स कट जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट ये वाला में देखिए, इसमें देखिए, इसमें है ना, नेक्स्ट लाइन में देखिए, साइन एक्स साइन एक्स करके 1 हो गया, उससे बड़ा एक्स बाई साइन एक्स, उससे बड़ा साइन से साइन कट गया, 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, आगे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से इसको वैसे ही रहने देते हैं, हाँ, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड से समझाते हैं, यहाँ से समझाते हैं। देखिए अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं इसको रेसिप्रोकल करना चाहूँगा, ठीक है, तो रेसिप्रोकल करना चाहूँ, 1 को 1/1 लिखना चाहूँगा, एक्स साइन एक्स, एक्स बाई साइन एक्स को साइन एक्स बाई एक्स लिखना चाहूँगा, और 1/cos को cos लिखना चाहूँगा, तो फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी भी चेंज करती है, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाता है, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाता है। देखिए ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन था, ये भी लेस देन हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, तो इनइक्वालिटी में भी चेंज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, 2 बड़ा होता है 1 से, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 होगा, और ये लेस देन हो जाएगा 1/1 से, है ना, 0.5 तो छोटा ही होता है ना 1 से, है ना, तो ये सब याद रखिएगा। अब क्या है कि मैं इतना हो गया, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज एक्सटेंस टू 0, हम लोग लिमिट लेंगे है ना ईच टर्म में एज एक्सटेंस टू 0, तो लिमिट जब भी लिमिट लेते हैं, आपको बता देता हूँ, जब भी लिमिट लेते हैं जो भी इनइक्वालिटी रहता है, जैसे सिर्फ लेस देन है या सिर्फ ग्रेटर देन है, तो उस केस में साथ ही साथ इक्वलिटी भी लग जाता है, ये बात याद रखिएगा, लिमिट के केस में जब भी लिमिट लेते हैं तो ये होता है। और ये क्यों होता है, इसका कारण मैंने सेमेस्टर 2 में आपको बताया था, ठीक है ना,
तो लिमिट ऑफ कॉस एक्स एज एक्सटेंस टू जीरो यहाँ पर भी ले लिया, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्सटेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ वन एज एक्सटेंस टू जीरो। तो लिमिट ऑफ कॉस एक्स एज एक्सटेंस टू जीरो क्या होता है, एक्स का वैल्यू जीरो रखिएगा तो कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, इसको एज इट इज रखिए इसी को निकालना है, और लिमिट ऑफ वन एज एक्सटेंस टू जीरो मतलब वो वन ही होगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। अब देखिए इधर भी वन है इधर भी वन है, तो सैंडविच थ्योरम यहाँ पर लागू कर सकते हैं, और बीच वाला भी वैल्यू बीच वाला फंक्शन का ही वैल्यू तब बीच वाला फंक्शन का लिमिट का वैल्यू भी तब वन ही हो जाएगा। तो हेंस बाय द सैंडविच थ्योरम लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना था तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, नीचे भी लिख दीजिएगा एक लाइन प्रूफ्ड, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूफ्ड। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये लेक्चर नंबर 20 समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 21 में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आवाज रही, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। ठीक है, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है ना, और आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं।